सो अभी हम मटेरियल्स पे जाते हैं और कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज़, जैसे अभी मैंने बताया है कि वो क्या चार प्रॉपर्टीज़ हैं जो आपने देनी है, उनको फर्दर देखते हैं कि वो कहाँ से हमारे पास आएंगी। सो हमारा जो प्राइमरी मटेरियल है वो तो रीइंफोर्स कंक्रीट है, तो मटेरियल से मुराद आपका आरसी ही है इस कोर्स में, ठीक है। सो ये पहला लेवल है मटेरियल अंडरस्टैंडिंग, इससे क्रॉस सेक्शन बनेगा, उसमें कुछ एलिमेंट्स का डिज़ाइन देखेंगे और फिर उससे मेंबर बनेगा और उसमें लॉन्ग कॉलम का डिज़ाइन देखेंगे। सबसे पहला कॉन्सेप्ट जो मटेरियल्स में आपने अंडरस्टैंड करना है, अगर आप सॉफ्टवेयर की तरफ जाएं, बिकॉज ये मैं जितनी भी डिस्कशन कर रहा हूँ ये सब करते हुए मेरे जहन में जो हमारे मेन स्ट्रीम स्ट्रक्चरल एनालिसिस के प्रोग्राम हैं वो हैं मोस्टली CSI की जो प्रोडक्ट्स हैं, ETABS, SAP वगैरह, और उनमें एक कॉन्सेप्ट है लोकल कोऑर्डिनेट्स का, एलिमेंट का भी हो सकता है और मटेरियल का भी हो सकता है। सो कोई भी जब मटेरियल डिफाइन करेंगे या इवन एलिमेंट डिफाइन करेंगे या बीम कॉलम वगैरह लगाएंगे, तो एक चीज़ आपको लोकल कोऑर्डिनेट्स का वर्ड आपको बार बार मिलेगा, लोकल कोऑर्डिनेट सिस्टम। ये एक दफ़ा समझ लें तो आपको ये एलिमेंट्स इस्तेमाल करने भी आ जाएंगे, फिर बाद में जो रिजल्ट्स एक्सट्रैक्ट करने होते हैं वो भी इसी लोकल कोऑर्डिनेट सिस्टम के मुताबिक होते हैं, ठीक है। सो एक होते हैं ग्लोबल कोऑर्डिनेट सिस्टम, ETABS, SAP, जितने भी प्रोग्राम्स हैं CSI के उनमें ये कॉमन कॉन्सेप्ट है। ग्लोबल कोऑर्डिनेट सिस्टम पहले समझ लें, वो रिप्रेजेंट होता है XYZ से, एक्स और वाई उसमें होती हैं प्लान की एक्सिस, जेड जो है वो एलिवेशन का एक्सिस है। तो ये तो पूरी बिल्डिंग का कोऑर्डिनेट सिस्टम होगा या पूरे स्ट्रक्चर का होगा, और ये आपको XYZ एक्सिस कॉर्नर के ऊपर कैनवस के ऊपर नज़र भी आ रहा होगा, ठीक है। सो XY प्लान व्यू के एक्सिस हैं और जेड जो है वो वर्टिकल एक्सिस है ग्लोबली पूरे स्ट्रक्चर का। फिर उसके बाद लोकल कोऑर्डिनेट सिस्टम है, हर एलिमेंट का हर मटेरियल का डिफरेंट है और उसको रिप्रेजेंट किया जाता है 1, 2, 3 से, ठीक है। और हर एलिमेंट के लिए ये 1, 2, 3 एक ख़ास डेफिनेशन के मुताबिक डिफाइन किए जाते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल 1 एक्सिस जो है, अगर बीम और कॉलम की बात करें तो 1 एक्सिस हमेशा लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस होगा, ठीक है। 1 एक्सिस हमेशा बीम और कॉलम की अगर मैं बात करूँ तो वो लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस होगा, और 2 और 3 एक्सिस क्रॉस सेक्शनल एक्सिस होंगे। यानी अगर मैं एक ड्रॉ करता हूँ, लेट्स से बीम चलें ड्रॉ करता हूँ, ये एक उसका क्रॉस सेक्शन है और ये लेंथ चल रही है उस तरफ को। तो अब इसके जो लोग एक तो ठीक है, एक ग्लोबल XYZ होगा इसका, ठीक है, पूरी बिल्डिंग का, लेट्स से इसको वाई कह देते हैं, ये जेड वर्टिकल है। लेकिन अब ये बीम तो किसी तरह से ओरिएंट भी तो हो सकती है ना, किसी एंगल पे भी हो सकती है, तो वो डिफाइन करेगा लोकल एक्सिस। वन जो होगा वो हमेशा जिस भी तरह से बीम लगी हुई है पूरे स्ट्रक्चर में उसका जो भी लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस है वो 1 होगा, ठीक है। और ये जो क्रॉस सेक्शनल 2 एक्सिस हैं, एक यूं है और एक ऐसे है, ये 2, 2 और 3 एक्सिस होंगे, ठीक है। सो बीम और कॉलम में तो ये नोटेशन है, इसमें भी आप जब देख लेंगे बाद में, जब आप इवन ETABS में या SAP में क्रॉस सेक्शन डिफाइन कर रहे होते हैं तो वहाँ पर भी क्रॉस सेक्शन यूं बना आ रहा होता है और उस पर ये 2 और 3 एक्सिस बने हुए होते हैं, ये लोकल एक्सिस हैं, ठीक है। और ये ज़रूरी नहीं है कि 2 और 3 एक ख़ास उसी एक्स और वाई के साथ हमेशा सेम डायरेक्शन में हो, आपकी बीम इंक्लाइंड भी हो सकती है, उस सूरत में ये उसी तरह बस रोटेट हो जाएंगे बीम के साथ, 1 एक्सिस लॉन्गिट्यूडनली रहेगा, 2 और 3 परपेंडिकुलर एक्सिस होंगे जो क्रॉस सेक्शनल एक्सिस होंगे। अब ये चीज़ समझने का फ़ायदा क्या है, ये मैं क्यों बता रहा हूँ कि बाद में जब रिज़ल्ट आएंगे ना तो आपसे सॉफ्टवेयर कहेगा आपने लेट्स से V2 देखना है या V3 देखना है, M2 देखना है या M3 देखना है, ठीक है, या M1 देखना है, ठीक है। मतलब वो लोकल एक्सिस के हिसाब से रिजल्ट्स आपसे पूछेगा कि कौन सा देखना है। अब आपको अगर एक्सिस पता है तो आपको पता होगा कि मैं प्राइमरी बेंडिंग मोमेंट जो मैं लेना चाह रहा हूँ वो M2 बनती है कि M3 बनती है। अगर इस तरह से एक्सिस हों कि ये 3 एक्सिस है, ये 2 एक्सिस है क्रॉस सेक्शनल एक्सिस,
और ये वन एक्सिस है, और आपकी प्राइमरी लोडिंग जो है वो वर्टिकल लोडिंग है, ग्रेविटी लोडिंग है। तो बेसिकली आप किस बेंडिंग मोमेंट में इंटरेस्टेड होंगे? मोमेंट अबाउट थ्री में, बिकॉज आप अपना थंब जो है वो थ्री की तरफ करें तो जो आपकी फिंगर का कर्ल है वो बेसिकली बेंडिंग को शो कर रहा है ना। तो प्राइमरी बेंडिंग जो आपकी आएगी अब वर्टिकल लोडिंग W की वजह से वो कुछ इस तरह की होगी ना ऐसे, तो वो थ्री की तरफ अगर थंब करें तो आपकी फिंगर का कर्ल ऐसे बनेगा। ठीक है, ये बात समझ आई है आपको? मैं रिपीट करता हूँ अगेन यहाँ ज़्यादा क्लियर फिगर के साथ कि लेट्स से ये मेरा क्रॉस सेक्शन है और मुझे ये बताया गया कि ये इसकी अलॉन्ग द लेंथ जा रहा है, ये इसके ऊपर प्राइमरी W लोड है, ये वाला जो एक्सिस है ये 3 है और ये एक्सिस जो है ये 2 है। ठीक है, तो इस W की वजह से जो प्राइमरी बेंडिंग मोमेंट आएगा वो मोमेंट अबाउट 3 एक्सिस होगा या अबाउट 2 एक्सिस होगा? अबाउट 3 एक्सिस होगा। और ये कैसे मालूम कर सकते हैं? कि आप 3 की तरफ अपना थंब करें तो जो आपकी फिंगर का कर्ल है वो बेसिकली बेंडिंग की डायरेक्शन बता रहा है। ठीक है, सो आपकी प्राइमरी बेंडिंग जो होगी वो कुछ इस तरह से होगी ऐसे, ठीक है, जो कि 3 के अबाउट बनती है। अच्छा, अगर जो लोडिंग है वो यूँ हॉरिजॉन्टल लोडिंग लग रही होती है ऐसे लेटरल, ठीक है, जैसे ये बीम जा रही है तो मैं इसको यूँ लोडिंग लगा रहा हूँ, तो फिर तो 2 के अबाउट बीम रोटेट करेगी ना या बेंड करेगी, तो फिर आपका M2 प्राइमरी बेंडिंग मोमेंट बन जाता। तो अगर मैं यहाँ पर एक लोडिंग लगाता हूँ, इसको मैं कहता हूँ एक्स लोडिंग, तो अगर आपकी लोडिंग एक्स है तो आपको M2 देखना चाहिए रिजल्ट्स में, अगर आपकी लोडिंग W है तो आपको M3 देखना चाहिए। प्राइमरीली बीम्स जो हैं वो वर्टिकल लोडिंग को रेजिस्ट करती हैं, तो M3 आपका प्राइमरी बेंडिंग मोमेंट हुआ करेगा हमेशा से सैप में, ई टैब्स में या किसी भी जगह। तो ये वर्ड आपको बार बार मिलेगा कि इस एलिमेंट को M3 डिज़ाइन करना है या किसी और तरह डिज़ाइन करना है। बेसिकली ये प्रोग्राम को बताने का तरीका है कि ये बीम है, ठीक है, M3 डिज़ाइन का मतलब है कि इसको M3 के अगेंस्ट डिज़ाइन करो, ये बीम है। ठीक है, सो ये आपको टर्मिनोलॉजी बार बार उन प्रोग्राम्स में मिलेगी। तो ये 1, 2, 3 एक्सेस किसी बीम कॉलम के भी हो सकते हैं और मटेरियल के भी हो सकते हैं। मसलन एनालिसिस रन करके आप कहते हैं कि प्रोग्राम से कहते हैं मुझे सिग्मा 1, 1 दिखा दें। अब ये 1, 1 असल में लोकल एक्सेस है, ठीक है, सो अगर 1, 2, 3 आपके मटेरियल के लोकल एक्सेस हैं तो सिग्मा 1, 1, 2, 2 और 3, 3 असल में 3 डायरेक्ट स्ट्रेसेस हैं और 1, 2, 1, 3 और 2, 3 जो हैं ये शीयर स्ट्रेसेस हैं। ठीक है, सो अब ये एक जनरल किसी भी एक मटेरियल का एक ब्लॉक है या ऑब्जेक्ट है, तो इस पे इसके ऊपर जो लोकल एक्सेस के हिसाब से 6 स्ट्रेस कंपोनेंट्स बन सकते हैं वो ये हैं, सिग्मा या S11 जो है वो ये है, 2, 2 और 3, 3 हो गए, ये डायरेक्ट स्ट्रेसेस हैं तीनों लोकल एक्सिस के परपेंडिकुलर, और बाकी जो 3 हैं वो शीयर स्ट्रेसेस हैं। ठीक है, सो अब ये नोटेशन आपने जेहन में रखनी है कि डायरेक्ट स्ट्रेसेस अगर मटेरियल के देखने या एनालिसिस के बाद तो 1, 1 का ये मतलब है, 2, 2 का ये मतलब है, 3, 3 का ये मतलब। सो अगर आपका मटेरियल ऑर्थोट्रोपिक है या एन आइसोट्रोपिक है, यानी उसकी प्रॉपर्टीज़ डिफरेंट डायरेक्शंस में डिफरेंट हैं, ठीक है, उस सूरत में तो ये ख़ास ख्याल रखना पड़ेगा कि 1, 1 देख रहे हैं या 2, 2 देख रहे हैं या 3, 3 देख रहे हैं। अगर आइसोट्रोपिक है मटेरियल, हर तरफ से सेम प्रॉपर्टीज़ रखता है, तो वो उसके स्ट्रेसेस भी हर तरफ से बराबर ही होंगे, तो फिर बेशक इसका ध्यान आप ना रखें। सो हम जिस मटेरियल से वाकिफ़ हैं वो तो अभी है यूनी एक्सियल या वन डायमेंशनल केस, जो कि हुक्स लॉ से गवर्न होता है अगर वो इलास्टिक हो तो, सिग्मा इज इक्वल टू ई इंटू एप्सिलॉन। लेकिन ये जो यूनी एक्सियल केस है ये पहली बात तो ये कि बहुत लिमिटेड केसेस में एप्लीकेबल है, ठीक है, जैसे कि एक स्टील बार है वो वाकई ऐसी है कि उसको यूनी एक्सियल माना जा सकता है, यानी उसका प्राइमरी जो लोड टेकिंग मैकेनिज्म है वो एक ही एक्सिस के अबाउट है जो उसका लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस है, ठीक है। लेकिन कुछ मटेरियल ऐसे होते हैं जिसमें सिर्फ ये सिंपल रिप्रेजेंटेशन, यूनी एक्सियल रिप्रेजेंटेशन काफ़ी नहीं होती। फिर दूसरा इसमें कॉम्प्लेक्सिटी ये है कि ई जो इसमें कांस्टेंट मान लिया गया, असल में ई कांस्टेंट भी नहीं होता,
रियल केस में तो ई वेरिएबल होगा और इससे एक कंप्लीट नॉन लीनियर स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व बनेगी। सो असल में अगर आप एक थ्री डायमेंशनल मटेरियल को देखें, यूनिएक्सियल केस ना देखें, एक 3D ब्लॉक है जिसकी सारी डायमेंशन सिग्निफिकेंट हैं, उस केस में ये अकेली इक्वेशन, सिंपल एक इक्वेशन नहीं रहेगी। इस इक्वेशन का एक जनरलाइज्ड वर्जन होगा जो उस थ्री डायमेंशनल मटेरियल को के बिहेवियर को रिप्रेजेंट करेगा। और वो जो जनरलाइज्ड रिलेशनशिप है, आई थिंक आप में भी मैकेनिक्स में उससे वाकिफ होंगे, अगर नहीं तो वो इस तरह का आपको दिखेगा कि असल में ये जो आपके पास अभी एक मैट्रिक्स इक्वेशन है, ये हुक्स लॉ की एक जनरल फॉर्म है 3D मटेरियल के लिए। अगर आपका मटेरियल वन डायमेंशनल है तो ये सिंपली रिड्यूस होकर रह जाएगी, सिग्मा इज इक्वल टू ई इंटू एप्सिलॉन, और ये ऑलरेडी उसी डायरेक्शन में सिग्मा होगा और एप्सिलॉन होगा जो वाहिद यूनी डायरेक्शनल डायरेक्शन आपने कंसिडर की हुई है। बट अगर कोई थ्री डायमेंशनल ऑब्जेक्ट है जो कि तीनों डायमेंशन में कोई डेफॉर्मेशन कर सकता है, तो उसके स्ट्रेसेस और स्ट्रेन के दरमियान जो रिलेशनशिप है वो ये एक इक्वेशन नहीं होगी, क्योंकि एक थ्री डायमेंशनल ऑब्जेक्ट अगर आप देखें तो वो छः किस्म के स्ट्रेसेस डेवलप कर सकता है, तीन डायरेक्ट स्ट्रेसेस और तीन शीयर स्ट्रेसेस, ठीक है। सो वो छः के छः जो स्ट्रेस कंपोनेंट्स हैं, सिग्मा एक्स वाई जेड बेसिकली डायरेक्ट स्ट्रेसेस हैं, और टॉ एक्स वाई वाई एक्स वाई जेड ये बेसिकली 1, 2, 3 को ही मैंने एक्स वाई जेड कह दिया हुआ है। सो आप समझ लें ये ऐसे ही जैसे 1, 2 और 3, ठीक है। सो एक थ्री डायमेंशनल मटेरियल 6 स्ट्रेस कंपोनेंट्स रखता है, 6 स्ट्रेसेस उस पर आ सकते हैं या वो अपने अंदर 6 स्ट्रेसेस डेवलप कर सकता है, और कॉरेस्पॉन्डिंगली 6 स्ट्रेन्स डेवलप कर सकता है, तीन डायरेक्ट स्ट्रेन्स यानी डायरेक्ट शॉर्टनिंग एक डायरेक्शन में, दूसरी डायरेक्शन में, तीसरी डायरेक्शन में, या डायरेक्ट इलोंगेशन, और तीन शीयर स्ट्रेसेस शीयर डेफॉर्मेशंस तीनों डायरेक्शन में, ठीक है। सो जो कंप्लीट हुक्स लॉ है वो ये है एक आइसोट्रोपिक मटेरियल के लिए कि सिग्मा वेक्टर इज इक्वल टू अ मैट्रिक्स कंटेनिंग सम कॉन्स्टेंट्स जो इलास्टिक मॉडुलस की जगह पे आएगी इनटू एप्सिलॉन वेक्टर, और एप्सिलॉन वेक्टर में 6 स्ट्रेन्स हैं, सिग्मा वेक्टर में 6 स्ट्रेसेस हैं, और बीच में एक कॉन्स्टेंट्स पर मुश्तमिल मैट्रिक्स है जिसको कई दफ़ा डी मैट्रिक्स भी कह देते हैं। सो डी मैट्रिक्स इनटू एप्सिलॉन, तो ये है कंप्लीट पिक्चर थ्री डायमेंशनल मटेरियल के हुक्स लॉ की। आप सिर्फ इससे वाकिफ़ हैं जो सिर्फ यूनिएक्सियल मटेरियल है जिसमें टू यानी ये ऐसा मटेरियल है जिसमें सिर्फ वन एक्सिस ही है, लेट्स से 2 एक्सिस या 3 एक्सिस है ही नहीं। जो लैब में आप स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व रीबार की कैलकुलेट करते हैं वो यूनिएक्सियल स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व है, बिकॉज उस बार के ऊपर आप लोड भी सिग्मा भी आप लगाते हैं एक ही एक्सिस में और उसी एक्सिस में डेफॉर्मेशन मेजर कर लेते हैं। कंक्रीट की स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व भी आप बेसिकली क्या कर रहे हैं, एक ही डायरेक्शन में स्ट्रेस लगा रहे हैं, उसी डायरेक्शन में आप स्ट्रेन मेजर कर रहे हैं, तो बेसिकली आप इग्नोर कर रहे हैं उसकी बाकी दो एक्सिस को, ठीक है। हालांकि अगर एक थ्री डायमेंशनल ब्लॉक देखा जाए और उस पर कोई एक स्ट्रेस भी लगाया जाए तो 6 के 6 स्ट्रेसेस स्ट्रेन्स डेवलप हो सकती हैं, यानी एक मैं इसके ऊपर इस ब्लॉक के ऊपर सिग्मा वाई वाई की डायरेक्शन में लोड लगा देता हूँ तो सिर्फ एप्सिलॉन वाई वाई प्रोड्यूस नहीं होगा बल्कि सिग्मा एप्सिलॉन एक्स एक्स भी प्रोड्यूस होगा बिकॉज मटीरियल एक्सपैंड भी कर सकता है या श्रिंक कर सकता है। तो एक स्ट्रेस कंपोनेंट के लगाने से एक से ज़्यादा स्ट्रेन कंपोनेंट्स डेवलप हो सकते हैं, और इसको मालूम करने का क्या तरीका है, ये मैट्रिक्स यानी इन स्ट्रेसेस को स्ट्रेन के साथ रिलेट कर रही है आपकी ये मैट्रिक्स, ठीक है। और ये बेसिकली अभी आइसोट्रोपिक मटीरियल के लिए है, यानी इसमें भी एक अजम्पशन है, ये भी सिंप्लीफाइड फॉर्म है कि सारी डायरेक्शन में प्रॉपर्टी सेम है, तो ई जो है वो ज़रूरी नहीं है कि डिफ़ाइन किया जाए कि ई वन क्या होगा, ई टू क्या होगा, ई थ्री क्या होगा, यानी वन डायरेक्शन में ई, टू डायरेक्शन में ई और थ्री डायरेक्शन में ई, वो अलग अलग नहीं है, वो एक ही ई है। इस अजम्पशन के साथ ये कंप्लीट फॉर्म है हुक्स लॉ की। अब आप खुद देख लें कि इसमें सिग्मा एक्स लगाया जाए तो हो सकता है एप्सिलॉन एक्स के अलावा भी कोई चीज़ें प्रोड्यूस हो जाएं, बिकॉज आप ये कपल्ड इक्वेशन है ना, अगर ये ये मैट्रिक्स जो बीच में इनको रिलेट कर रही है ये सिर्फ डायगनल मैट्रिक्स होती,
सिर्फ डायगनल मैट्रिक्स होती, बाकी ऑफ डायगनल टर्म सारी की सारी ज़ीरो होती, फिर तो हम ये कह सकते थे कि ये अनकपल्ड इक्वेशन है, यानी सिग्मा एक्स के लगाने से सिर्फ एप्सिलॉन एक्स ही प्रोड्यूस होगा। क्यों? क्योंकि वो सिंपली आप जब इसको एक्सपैंड करेंगे इस मैट्रिक्स को, तो सिग्मा एक्स विल बी सिंपली इक्वल टू दिस फर्स्ट नंबर इनटू एप्सिलॉन एक्स और बाकी सारी ज़ीरो एंट्रीज होती। ठीक है, तो अगर तो ये ऑफ डायगनल टर्म्स ना होती इस मैट्रिक्स में तो हम कह सकते थे कि ये अनकपल्ड इक्वेशन है और सिग्मा एक्स के प्रोड्यूस होने से सिर्फ एप्सिलॉन एक्स ही हो रहा है, लेकिन असल में ऐसा नहीं हो रहा। तो ये छः इक्वेशंस हैं जिनको मैट्रिक्स फॉर्म में कन्वर्ट किया गया है। वो छः इक्वेशंस आप इससे रिप्रोड्यूस कर लें, आप इस सिग्मा एक्स को लिख सकते हैं ना, सिग्मा एक्स इज इक्वल टू वन माइनस एप्सिलॉन इंटू एप्सिलॉन एक्स, सॉरी वन माइनस दिस पॉइजन रेशियो इंटू एप्सिलॉन एक्स प्लस दिस पॉइजन रेशियो इंटू एप्सिलॉन वाई प्लस पॉइजन रेशियो अगेन इंटू एप्सिलॉन जेड और आगे जीरो जीरो जीरो। ये मैंने क्या किया है, पहली रो को इससे मल्टीप्लाई कर दिया तो इज इक्वल टू पहला नंबर, तो बेसिकली पहली इक्वेशन एक्सट्रैक्ट कर ली है और इस इक्वेशन से ही पता लग रहा है कि सिग्मा एक्स से सिर्फ एप्सिलॉन एक्स नहीं प्रोड्यूस हो रहा बल्कि कोई एप्सिलॉन वाई एप्सिलॉन जेड भी प्रोड्यूस हो रहे हैं। और ये इंट्यूटिव भी है, एक डायरेक्शन में डायरेक्ट स्ट्रेस लगाया जाएगा तो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में भी तो कोई स्ट्रेन आएगी ना। तो ये है कंप्लीट पिक्चर जो छः के छः स्ट्रेस रिजल्टेंट्स को छः स्ट्रेन में कन्वर्ट करती है, सॉरी स्ट्रेस कंपोनेंट्स को स्ट्रेन्स में कन्वर्ट करती है। तो ये अब कंप्लीट पिक्चर आपने जहन में रखनी है किसी भी मटेरियल के बारे में, लेकिन प्रैक्टिकल पर्पस के लिए लेट्स से जैसे मैंने बताया रीबार है उसको हम यूनिएक्सियल मान लेते हैं, उसके लिए सिर्फ एक स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व काफ़ी होती है। अगर ये एन आइसोट्रॉपिक होता तो फिर ये बड़ी कॉम्प्लेक्स किस्म की मैट्रिक्स बनती और उसमें फिर तीन ई होते, तीनों डायरेक्शन का अलग अलग ई होता। ठीक है, सो जो डायरेक्ट स्ट्रेसेस हैं उनके साथ उस डायरेक्ट यानी जो स्ट्रेस जिस डायरेक्शन में है उस डायरेक्शन का ई उसमें इस्तेमाल हो रहा होता उस टर्म के अंदर। ठीक है, सो यही वजह है कि ई टाइप्स में जब आप मटेरियल को एन आइसोट्रॉपिक डिक्लेयर कर देते हैं तो वो आपसे फिर तीनों डायरेक्शन में ई वन ई टू ई थ्री तीनों डायरेक्शन में ई अलग अलग मांगता है, वरना आप डिफ़ॉल्ट में चलेंगे तो वो एक ही ई आपने देना है, वो बेसिकली डिफ़ॉल्ट में आइसोट्रॉपिक मान रहा होगा। सो, इसका मतलब है कि ये जो हुक्स लॉ जिससे हम वाकिफ़ हैं ये तो एक बड़ी इक्वेशन की एक बड़ी सिंप्लीफाइड रिप्रेजेंटेशन है कि अगर दो एक्सिस बिल्कुल ही मटेरियल के इग्नोर कर दिए जाएं तो वो जो एक एक्सिस बचेगा उसमें स्ट्रेस और स्ट्रेन को क्या इक्वेशन रिलेट करेगी। ठीक है, सो, ये अलग बात है वैसे कि एक एडिशनल इन्फॉर्मेशन के ये जो छः स्ट्रेस कंपोनेंट्स हैं ना इनको तीन प्रिंसिपल समेशंस में भी कन्वर्ट किया जा सकता है। आई थिंक ये भी मैकेनिक्स में कॉन्सेप्ट आपने देखा होगा, यानी और कॉन्सेप्ट बड़ा जनरल है और वो ये कहता है कि अगर आपके मटेरियल पे या मेंबर पे डायरेक्ट स्ट्रेसेस भी आ रहे हैं शीयर स्ट्रेसेस भी आ रहे हैं आप उस मटेरियल की ओरिएंटेशन चेंज करते जाएं एक ख़ास ओरिएंटेशन पे इनका जो रिजल्टेंट बनेगा वो सिर्फ डायरेक्ट स्ट्रेसेस ही होगा और उस रिजल्टेंट को कहते हैं प्रिंसिपल स्ट्रेसेस। ठीक है, सो, इसका मतलब है कि ये जो छः स्ट्रेस कंपोनेंट्स हैं इनको मैथमेटिकली तीन प्रिंसिपल स्ट्रेसेस से भी रिप्रेजेंट किया जा सकता है। सो, अब आ जाएं इस जनरल मटेरियल की रिप्रेजेंटेशन के बाद कंक्रीट पे, रीइंफोर्स्ड कंक्रीट। हमें पता है कि ये एक ऐसा कंक्रीट है जिसमें स्टील बार्स एम्बेड हुई हुई होती हैं, उनका पर्पस हमें पता है कि वो टेंसाइल स्ट्रेंथ को एनहांस करने के लिए होती हैं। सो, हम कंक्रीट के क्रॉस सेक्शन में स्ट्रेटजिकली जहाँ ज़रूरत है वहाँ पे स्टील बार्स एम्बेड करते हैं और ये इंश्योर करते हैं कि वहाँ पे आने वाली टेंशन ये बार बियर करें। सो, इसकी एप्लीकेशन आपको पता है ऑलरेडी, इस पर कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है, पहले दो कोर्सेज गुजर चुके हैं। आप इसको एक मैन मेड स्टोन समझ सकते हैं कि ये एक ऐसा स्टोन है जो हमारे हाथ में है जिसको हम किसी भी शक्ल में ढाल सकते हैं। सो, इसके कुछ मेरिट्स और डीमेरिट्स हैं कंक्रीट की अगर बात करें रीइंफोर्स्ड कंक्रीट की। सो, मैं सिर्फ इम्पॉर्टेंट चीज़ें से इसमें बताता हूँ, ये लिस्ट तो काफ़ी एक्सपेंड की जा सकती है। आपको पता है कि कंक्रीट कंप्रेसिव स्ट्रेंथ में अच्छा बिहेव करता है, इसी तरह वेदरिंग इफ़ेक्ट्स फायर के अगेंस्ट अच्छी प्रोटेक्शन है,
हायर स्टिफनेस है कंपेयर टू सम अदर मटेरियल्स, लेकिन इससे बहुत अच्छे मटेरियल्स भी हैं अगर सिर्फ स्टिफनेस का क्राइटेरिया देखा जाए। मेंटेनेंस इसकी कोई ख़ास नहीं होती, वक्त के साथ स्ट्रेंथ में इंक्रीज़ होता है, बट ये भी कोई ख़ास एडवांटेज नहीं है, वो जो इंक्रीज़ होता है वो बहुत नेग्लिजिबल है। कॉस्ट इफ़ेक्टिव है, ये चलें इसका एक अच्छा एडवांटेज है। और लोअर ग्रेड ऑफ स्किल्ड लेबर, ये भी अब आई डोंट नो कहा जा सकता है या नहीं, बट मे बी कंपेयर टू स्टील, बिकॉज स्टील अगर कंस्ट्रक्शन करनी है तो उसके कुछ ख़ास किस्म के ही वर्कर्स आपको चाहिए होंगे जो वो काम जानते हों। कॉन्क्रीट में भी ऐसा नहीं है। और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली, इसको किसी भी शेप में कास्ट किया जा सकता है। डीमेरिट्स इसके ये हैं कि इसकी टेंसाइल स्ट्रेंथ कम है, इसको काफ़ी टाइम के लिए होल्ड करके रखना पड़ता है अनटिल कि ये सिर्फ अपना वज़न बर्दाश्त करने के काबिल हो जाए। और लो वेट पर यूनिट वॉल्यूम, एक ये बड़ी इम्पॉर्टेंट पैरामीटर है कि एक मटेरियल का अपना वज़न या अपना वॉल्यूम और जो वो लोड रेजिस्ट कर सकता है, ठीक है, इनकी रेशो। तो इसमें कंक्रीट इतना अच्छा नहीं है। मसलन अगर आपने एक लोड रेजिस्ट कराना है ना, तो स्टील का या एल्यूमिनियम का एक बहुत थोड़ा सा क्रॉस सेक्शन भी उसके लिए काफ़ी होगा, कंक्रीट का एक बड़ा हैवी क्रॉस सेक्शन चाहिए होगा। फिर ये एक्चुअली तो हेट्रोजीनियस मटेरियल है ना, यानी इसको इवन देखा जाए तो एक इलास्टिक मॉडुलस पूरे आरसी का नहीं दिया जा सकता थ्योरेटिकली, क्योंकि इसमें एक कांस्टेंट नंबर दे देने का मतलब है कि आप उसको होमोजीनियस मान रहे हैं। असल में तो ऐसा नहीं है, क्रॉस सेक्शन में कुछ जगह पे स्टील है, कुछ जगह पे कंक्रीट है। तो और फिर कंक्रीट भी जो है वो भी आगे से फर्दर उसके कॉन्स्टिट्यूएंट्स आपको पता हैं, उसमें कोर्स एग्रीगेट हैं, फाइन एग्रीगेट हैं। तो बेसिकली तो हेट्रोजीनियस मटेरियल है, लेकिन और उसकी प्रॉपर्टीज़ अलॉन्ग द लेंथ या किसी भी वजह से वेरी हो सकती हैं अगर वर्कमैनशिप अच्छी नहीं है। सो ये भी एक डीमेरिट है, हम इसको एज्यूम करते हैं होमोजीनियस सिंप्लिसिटी के लिए। और ये एक प्रोसेस ऑफ हाइड्रेशन है, उससे बड़ा सेंसिटिव है, क्योरिंग सही ना की जाए या कोई और मॉइस्चर इसमें मसला आ जाए, तो ये सब इसके डीमेरिट्स हैं जिनका ख्याल रखना पड़ता है। लो वेट पर यूनिट वॉल्यूम से मुराद ये है कि जो वेट वो रिजिस्ट कर सकता है, ठीक है, सो बहुत कम वेट ये उठा सकता है एक ख़ास वॉल्यूम के लिए। इसका एक ज़्यादा रिफाइंड पैरामीटर भी है जो मैं अभी अगली कुछ स्लाइड में बताऊंगा, उसे कहते हैं स्पेसिफिक लेंथ, ठीक है, वो बड़ा इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है। सो हमें पता है कि ये दोनों मटेरियल बड़े आपस में कंपैटिबल हैं, ठीक है, एक के डीमेरिट्स दूसरे के मेरिट्स हैं। फॉर एग्जांपल अगर टेंसाइल स्ट्रेंथ की बात करें तो स्टील उसको कंपनसेट करता है, अगर कोरोजन स्टील में ज़्यादा हो सकती है तो कंक्रीट उसको कवर प्रोवाइड करता है, फायर रेजिस्टेंस कंक्रीट प्रोवाइड करता है स्टील बार्स को अच्छी तरह इंसुलेट करता है, और फिर स्टील बार्स तो लाइटर होती हैं वेट में, उनका वो जो स्टील का कंक्रीट का डीमेरिट है वो हैंडल हो जाता है। इसके अलावा ये अच्छी बॉन्ड प्रॉपर्टीज़ भी रखते हैं दोनों, और उसकी प्राइमरी रीज़न ये है कि इन दोनों का कोफिशेंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन आलमोस्ट सेम है, तो अगर आपका मेंबर इलोंगेट होगा या श्रिंक होगा तो इकट्ठा होगा, सो इनके दरमियान रिलेटिव स्लिप नहीं होती। परफेक्ट बॉन्ड एक बड़ी बेसिक एजम्पशन है जिसके ऊपर हमारी पूरी की पूरी फ्लेक्चरल थ्योरी खड़ी है। अगर कंक्रीट और स्टील में स्लिप हो जाती है तो हमारी पूरी फ्लेक्चरल थ्योरी फेल हो जाएगी, बिकॉज अभी हम ये अज्यूम करते हैं कि अगर हमारी ये कंक्रीट सेक्शन है और उसमें ये स्टील है और इसकी मैंने एक स्ट्रेन प्रोफाइल बनाई ऐसे, अब मैं बड़े आराम से ये करता हूँ कि जो स्टील बार्स के लेवल पे स्ट्रेन का नंबर है, मैं यही अज्यूम कर लेता हूँ कि यही स्ट्रेन उन स्टील बार्स में इस वक्त मौजूद है। अगर ये स्लिप हो जाएं तो फिर तो वो स्ट्रेन उसमें नहीं रहेगी, ये स्ट्रेन तभी रह सकती है स्टील बार्स में अगर परफेक्टली वो बॉन्ड बना हुआ है, कॉन्टीन्यूस बॉन्ड बना हुआ है, वो पक्की इम्बेड हुई हुई है अंदर। जब कॉन्क्रीट बैंड होती है तो स्टील बार्स अपने अंदर वही स्ट्रेन डेवलप करती हैं। इस एजम्पशन पे हमारी पूरी फ्लेक्चरल थ्योरी खड़ी है। अगर ये स्ट्रेन प्रोफाइल का कॉन्सेप्ट गलत साबित हो जाए, आगे सारा हमारा एनालिसिस गलत हो जाता है, ठीक है। लेकिन ये दुरुस्त एजम्पशन है, ऐसा नहीं है कि रियल में बॉन्ड नहीं होता और हम एज्यूम करते हैं,
रियल में भी ये मटेरियल एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हैं और एक परफेक्ट बॉन्ड इनके दरमियान एग्जिस्ट कर रहा होता है, जिसका हम फ़ायदा उठा लेते हैं, एनालिसिस में भी सिंप्लीफाई कर लेते हैं चीज़ों को। कंप्रेसिव स्ट्रेंथ इसकी नॉर्मली 28 डेज पे मेजर की जाती है, ये भी असल में तो डीमेरिट ही है। आजकल की दुनिया जितनी फास्ट हो गई है उसमें कोई 28 दिन तक वेट नहीं कर सकता। सो यही वजह है कि जितने एडवांस किस्म के हाई परफॉर्मेंस और हाई स्ट्रेंथ कॉन्क्रीट आ रहे हैं उनमें सब में एक चीज़ कॉमन है, वो ये है कि वो अपनी स्ट्रेंथ का बड़ा हिस्सा पहले 7 दिन में अचीव कर लेते हैं। ठीक है, सो ये एक बहुत बड़ा डिसएडवांटेज है। कोई भी अब 28 डेज तक वेट नहीं कर सकता एफसी प्राइम के डेवलप होने का, बट स्टैंडर्ड एफसी प्राइम की डेफिनेशन यही है कि वो स्ट्रेंथ जो 28 डेज में अचीव हो। नॉर्मल रेंजेस आपको पता हैं। टेंसाइल स्ट्रेंथ इसमें ज़ाहिर है कि आप कॉन्क्रीट के केस में अज्यूम करते हैं कि टेंसाइल क्रैक्स लाजमी डेवलप होंगे और ये कोई टेंसाइल रेजिस्टेंस प्रोवाइड नहीं करेगी कॉन्क्रीट। एक्चुअल में जो इसकी टेंसाइल स्ट्रेंथ है वो कंप्रेसिव का 1/10 होती है। ठीक है, कोड की एक्सप्रेशंस में जिधर भी आप अंडर रूट एफ सी प्राइम का को देख लें, समझ लें कि इसका ताल्लुक सम हाउ टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ कॉन्क्रीट से है। ठीक है, अब एक थोड़ा सा ऐसा कॉन्सेप्ट जो आपने शायद पहले ना देखा हो, कॉन्क्रीट का जो फेलियर है, जिस इवन कंप्रेशन में भी जो फेलियर है वो असल में हमेशा टेंसाइल फेलियर ही होता है। अगर आप छोटे एलिमेंट लेवल पे एक बिल्कुल इंडिविजुअल पार्टिकल लेवल पे जाके देखें तो फेलियर असल में है ही टेंसाइल फेलियर। जो कंप्रेशन फेलियर है आपकी सिलेंडर का वो भी असल में टेंसाइल फेलियर ही है दूसरी डायरेक्शन में, यानी आपके सिलेंडर में आप अप्लाई तो करते हैं कंप्रेसिव स्ट्रेंथ, ठीक है, और क्रश हो जाता है आपका आपका ये जो भी है। आपने ये पढ़ा होगा कि रिस्ट्रेनिंग इफेक्ट जो दोनों प्लेटन्स का होता है वो ट्रायंगुलर शेप का होता है, यानी एक लोअर प्लेटन है एक अपर प्लेटन है आपकी मशीन का, और जो रिस्ट्रेनिंग इफेक्ट या फ्रिक्शन अवेलेबल है वो इफेक्ट ट्रायंगुलर शेप में कम होता जाता है, और दरमियान में करके एक ऐसा रीजन होता है जो इस रिस्ट्रेनिंग इफेक्ट से आज़ाद होता है, वो रिस्ट्रेनिंग इफेक्ट सेंटर में ख़त्म हो जाता है। असल में फेलियर वहाँ से इनिशिएट होता है, आपका सिलेंडर वहाँ से क्रश हो जाता है या क्रैक हो जाता है। तो असल में देखा जाए एलिमेंट लेवल पे यानी पार्टिकल लेवल पे जाके देखा जाए तो वो फेलियर भी असल में है टेंसाइल फेलियर ही, आपके पार्टिकल एक दूसरे से दूर हो रहे हैं टेंशन में फेल हो रहे हैं। शीयर फेलियर भी अपनी नेचर में टेंसाइल फेलियर ही है। ठीक है, सो इसलिए ये कहना शायद दुरुस्त होगा कि कॉन्क्रीट का फेलियर असल में हमेशा टेंसाइल फेलियर ही होता है अपनी नेचर में। ठीक है, ये अलग बात है कि हम पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ लोडिंग के हिसाब से उसको कभी कंप्रेसिव फेलियर कह देते हैं, कभी टेंसाइल फेलियर, कभी डायरेक्ट टेंसाइल कह देते हैं, कभी स्प्लिट टेंशन कह देते हैं, कभी शीयर फेलियर कह देते हैं, लेकिन पार्टिकल लेवल के जाके देखा जाए तो वो एक ही फेलियर है। सो बात यहाँ से चली थी कि कोड में जब भी आप अंडर रूट एफ सी प्राइम की एक्सप्रेशन देखें तो आप समझ जाएँ कि ये टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ कॉन्क्रीट को समहाउ किसी तरह अप्रॉक्सीमेट किया गया। बिकॉज अगर आप देखें ना कॉन्क्रीट की जगह जो नॉर्मल एफ सी प्राइम की रेंज है इसका अंडर रूट ले लें तो आप टेंसाइल स्ट्रेंथ के करीब करीब पहुंच जाते हैं। ठीक है, सो कभी इससे पहले कोई फैक्टर लगा होगा, कभी इसके बाद कोई फैक्टर लगा होगा, और इसी तरह शीयर स्ट्रेंथ की भी जितनी इक्वेशंस हैं उनमें अंडर रूट एफ सी प्राइम आ रहा होता है, क्योंकि शीयर फेलियर भी अपनी नेचर में टेंसाइल फेलियर ही है। डायगनल टेंशन फेलियर बोलते हैं उसको, शीयर फेलियर का एक और नाम क्या है, डायगनल टेंशन फेलियर। ठीक है, सो अगर आपका एक कॉन्क्रीट का एक मटेरियल है इस तरह का, आपने शीयर अप्लाई कर दिया ऐसे तो ये क्रैक हो जाएगा डायगनल फॉर्म में, तो बेसिकली ये टेंसाइल फेलियर है जो कि आपने इस डायगनल डायरेक्शन में एक तरह का उसको टेंसाइल फेलियर करार दे दिया। तो इसलिए शीयर स्ट्रेंथ की भी इक्वेशंस में अंडर रूट एफ सी प्राइम आ रहा होता है। शीयर स्ट्रेंथ जो है वो डायरेक्ट टेंसाइल स्ट्रेंथ के एग्जैक्टली इक्वल नहीं होती, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ की इस रेंज में हो सकती है 1/3 to 4/5। ठीक है, बट कंप्रेसिव स्ट्रेंथ से ये दोनों अप्रॉक्सीमेट हो सकते हैं। तो इसका मतलब है अगर आपके पास एफ सी प्राइम है तो आप उससे कोई भी और टाइप की स्ट्रेंथ अप्रॉक्सीमेट कर सकते हैं।
स्टील की अगर बात करें तो उसमें आपको पता है कि ये हॉट रोल्ड हो सकती हैं, कोल्ड ट्विस्टेड हो सकती हैं, जिसको टॉर भी बोलते हैं। हॉट रोल्ड का मतलब है उसी फॉर्म में कास्ट की गई हैं। कोल्ड ट्विस्टेड का मतलब है कि उनको कास्ट करके, ठंडा करके फिर बाद में ट्विस्ट किया गया, ठीक है। और इनके स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व में सिग्निफिकेंट फ़र्क है। जब आप बाद में उनको ट्विस्ट कर देते हैं तो आप वो स्ट्रेन हार्डनिंग वाला, वो जो यील्डिंग वाला पोर्शन है वो पहले ही कर देते हैं उसका। तो अगर आपकी हॉट रोल्ड स्टील की स्ट्रेंथ यूं है कि बाद में वो यील्ड होती है, फिर पार्टिकल रीअरेंज होते हैं और फिर स्ट्रेन हार्डनिंग स्टार्ट होती है, इसके बरक्स जो आपकी टॉर स्टील होगी वो डायरेक्टली ऊपर जाके बस गोल हो जाएगी ऐसे, उसमें वो बड़ा क्लियरली यील्ड पॉइंट नहीं आएगा। ये अलग बात है कि उसकी अल्टीमेट स्ट्रेंथ आपकी हॉट रोल्ड से बहुत ज़्यादा होगी, लेकिन उसका फेलियर ब्रिटल हो सकता है, ठीक है। तो आमतौर पे बिल्डिंग्स में तो जो यूज़ होती हैं वो तो ये डिफॉर्म बार्स हॉट रोल्ड हैं, ये वाली। और इनके नंबर्स होते हैं, अगर यूएस सिस्टम में बात करें, ऑल्दो के आई थिंक अब टाइम आ गया कि हम भी ऐसा ही सिस्टम को अडॉप्ट कर लें जिसमें मिलीमीटर्स में डाया बार का जो है वो रिप्रेजेंट किया जाता है, बट फिर भी हमारी प्रैक्टिस में अभी भी यूएस कस्टमरी यूनिट्स यूज़ हो रहे हैं। और यूएस डेजिग्नेशंस में ये नंबर ऑफ़ बार्स होते हैं, आप ऑलरेडी इनसे फेमिलियर हैं। नंबर 3 का मतलब है कि इसका डाया 3x8 इंचेस है, ठीक है। सो आई वुड रिकमेंड कि आप दोनों सिस्टम्स को के साथ फेमिलियर रहें, बाद में आपको कभी शिफ्ट भी करना पड़ सकता है SI पे, ठीक है। सो आप एक रफ अप्रोक्सीमेशन बनाए रखें, यानी अगर आपको पता है कि मेरी 9 इंच नंबर 9 की जो बार है उसका डाया होगा 1 इंच, ठीक है। सो 1 इंच आपको पता है 25 mm के करीब होता है ऑलमोस्ट, ठीक है। तो जब भी मिलीमीटर्स में डाया हो तो आप उसको अप्रोक्सीमेटली ये नंबर में कन्वर्ट कर लें। अच्छा, हमारे यहाँ तो मोस्टली आई थिंक नंबर 3 से नंबर 10 तक ही बिल्डिंग्स में यूज़ होती हैं। ये जो 11 या 14, 18 वगैरह हैं ये बड़ी कोई स्पेशल एप्लीकेशंस में यूज़ हो सकती होंगी, मे बी ब्रिजेस वगैरह में, लेकिन आम तौर पे तो नंबर 9 की बार भी बहुत ज़्यादा बहुत हाई डाया माना जाता है। 1 इंच डाया इज़ कंसिडर्ड वेरी, यू कैन से कि ये बहुत हाई डाया है, बिल्डिंग्स में आम तौर पे यूज़ नहीं होता। सो इनके ग्रेड्स होते हैं ये 40, 70, 60, ये KSI में इनका FY है, ठीक है। और अच्छी स्टील वो होगी कि जो जिस ग्रेड की डेजिग्नेट हो उसी पर यील्ड हो भी जाए, ठीक है। जो उससे कम होगी वो तो नहायत ही पुअर होगी, लेकिन जो उससे ज़्यादा पे यील्ड होगी वो भी दुरुस्त नहीं है, बिकॉज उससे भी कुछ ऐसे मसले हो सकते हैं डक्टिलिटी रिलेटेड जो मैंने आपको पहले बताए हुए हैं। ये तो स्टील का इनहेरेंट बिहेवियर है ना, कि स्टील जो है वो यील्ड करता है, फिर पार्टिकल्स रीअरेंज होते हैं और वो दोबारा से लोड को रेजिस्ट करना शुरू कर देते हैं। सो ये तो उसका बेसिक बिहेवियर है। अगर आप इसको मतलब उसकी केमिकल लेवल पे जाके देखना चाहते हैं वो तो फिर कोई मटेरियल्स में जो स्पेशलाइज्ड बंदा हो वो बता सकता है, बट एक इंजीनियर क्या कहेगा कि जब मैं बार को मशीन में पुल करता हूं तो ये बिहेवियर मुझे मिल जाता है। तो इसका मतलब है ये बार का इनहेरेंट बिहेवियर। अब इसकी जो रियल रीज़न है कि पार्टिकल्स कैसे रीअरेंज होते हैं, फिर वो कैसे दोबारा से लोड लेना शुरू कर देते हैं एक दफ़ा फ्लैट होने के बाद, तो वो अब कोई मटेरियल्स का बंदा एक्सप्लेन कर सकेगा। सो अब प्रॉपर्टीज़ की, कंक्रीट और स्टील की अगर बात करें तो दो टाइप्स ये भी हो सकती हैं कि वो प्रॉपर्टीज़ जो एनालिसिस में इस्तेमाल होंगी और वो प्रॉपर्टीज़ जो डिज़ाइन में इस्तेमाल होंगे। तो ये भी आप ऑलरेडी जानते हैं, एनालिसिस में ये वही 4 प्रॉपर्टीज़ हैं। इसमें ई जो है वो कई डेफिनेशन रख सकता है, जैसे कि लास्ट क्लास में डिस्कस भी हुआ है। इनिशियल मॉडुलस का मतलब है स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व का इनिशियल पॉइंट का टेंजेंट का स्लोप। टेंजेंट मॉडुलस के किसी स्पेसिफिक पॉइंट पे टेंजेंट लें और फिर उसका स्लोप लें। सीकेंट मॉडुलस ये कि किसी स्पेसिफिक पॉइंट पे को ओरिजिन से मिला दें और फिर उसकी स्लोप। और लॉन्ग टर्म मॉडुलस यही है कि बहुत अगले किसी पॉइंट के ऊपर बड़ा डिग्रेडेड किस्म का मॉडुलस ले लें। सो अगर ये एक्चुअल स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व है तो ये हो जाएगा आपका इनिशियल
फिर किसी एक पॉइंट पे टेंजेंट ले लें तो ये आपका टेंजेंट हो जाएगा, किसी एक पॉइंट पे सीकेंट लेना है तो उसको ओरिजिन से मिला दें, ये सीकेंट हो जाएगा। लॉन्ग टर्म यही है कि आप बहुत लॉन्ग टर्म डिफ्लेक्शन एज्यूम करें और उस पर सीकेंट ले लें, ठीक है। लेकिन कोड ने हमें डायरेक्टली ई के लिए एक्सप्रेशंस दी हुई हैं, इससे भी पहले ये डिज़ाइन की कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं, ये देख लें। जो भी मटेरियल के अल्टीमेट स्ट्रेसेस हैं, यील्ड स्ट्रेसेस हैं कंक्रीट और स्टील दोनों के, ये आपकी डिज़ाइन प्रॉपर्टीज़ हैं, ठीक है। सो आप चाहे स्ट्रेन यील्ड स्ट्रेन दे दें या इलास्टिक मॉडुलस दे दें, एक ही बात है, बिकॉज ये आपस में कन्वर्टेबल है ना। सिग्मा ई दे दें या एप्सिलॉन दे दें, अगर एफ वाई गिवन है तो दूसरी चीज़ आ जाएगी। सो कुछ प्रॉपर्टीज़ कंक्रीट और स्टील की जो हमने देनी होती हैं, वो यूनिट वेट हो सकता है, इलास्टिक मॉडुलस हो सकता है, यूनिट मास हो सकता है, पॉइसन्स रेशो, अल्फा कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन। अगर आप कोई टेम्परेचर लोडिंग लगाएंगे तो ये अल्फा का इस्तेमाल होगा, ठीक है। यानी ये अल्फा कहाँ यूज़ होगा, के मैट्रिक्स के अंदर, जब टेम्परेचर लोडिंग के लिए के मैट्रिक्स बनेगी उसमें अल्फा भी इनपुट जाएगा। कंक्रीट के लिए जो हमें कोड ने एक्सप्रेशंस दी हुई हैं, अब आई डोंट नो कि ये बिल्कुल अपडेटेड वाली हैं या नहीं, बिकॉज ये हर कुछ साल बाद अपडेट होती रहती हैं। सो वो ये हैं, ऑब्वियसली ये यूनिट डिपेंडेंट हैं बिकॉज एम्पिरिकल एक्सप्रेशंस हैं। तो ये फॉर एग्जांपल पीएसआई में है नॉर्मल स्ट्रेंथ के लिए, ये मेगा पास्कल में है, ये पीएसआई में है हाई स्ट्रेंथ के लिए, ग्रेटर दैन 6000 पीएसआई। इलास्टिक मॉडुलस के लिए, स्टील के लिए तो फिक्स नंबर है। यूनिट वेट की भी ऑलमोस्ट यही वैल्यूज़ यूज़ होती हैं जो यहाँ दी हुई हैं, और पॉइसन्स रेशो की भी। तो इसका मतलब है कि अगर इन प्रॉपर्टीज़ से बस आप एक दफ़ा फेमिलियर हो जाएं, तो बार बार आप यही लगभग यही वैल्यूज़ यूज़ कर रहे होंगे। कुछ अदर स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज़ भी होती हैं जो अगर कोई ख़ास एनालिसिस करना है तो फिर इस्तेमाल होंगी, वरना वो यूज़ नहीं होंगी। फॉर एग्ज़ाम्पल एक रिलैक्सेशन का फिनोमेना है कि अगर पहले से मटीरियल में कोई स्ट्रेस है तो वक्त के साथ वो खुद ही कम होता जाता है, इस फिनोमेना को कहते हैं रिलैक्सेशन। फॉर एग्जांपल प्री स्ट्रेस एलिमेंट्स में ये एक प्री स्ट्रेस के लॉस का बाइस बनता है ये फिनोमेना। फटीग आपने देखा है कि साइक्लिक लोडिंग के अंदर जो फेलियर होता है, क्रीप ये है कि एक सस्टेंड लोडिंग रहे और उसमें जो लॉन्ग टर्म डेफॉर्मेशन है। श्रिंकेज आपको पता है कि कॉन्क्रीट से रिलेटेड एक स्ट्रेन है जो इनिशियली कंक्रीट श्रिंक करता है। कन्फाइनमेंट बेस्ड प्रॉपर्टीज़, यानी वो प्रॉपर्टीज़ जो कंक्रीट की अपनी तो नहीं है, लेकिन अगर उसको प्रॉपरली रीइंफोर्स्ड केज में कन्फाइन कर दिया गया है तो जो उसकी प्रॉपर्टीज़ में चेंजेस आ गई हैं या इम्प्रूवमेंट्स आ गई हैं, वो कन्फाइनमेंट बेस्ड प्रॉपर्टीज़ हो सकती हैं। ये वो कॉन्सेप्ट है स्पेसिफिक लेंथ का, जो मैंने बताया था कि किसी मटीरियल के लोड कैरिंग कैपेसिटी की एफिशिएंसी को रिप्रेजेंट करता है। आइडिया ये है कि अगर एक मटेरियल की एक बार इस तरह से वो यूं लटका दी जाए कि उसने सिर्फ अपना वेट रिजिस्ट करना हो या सपोर्ट करना हो, तो उस मटेरियल की वो क्या लेंथ होगी जो मैक्सिमम लेंथ रखी जा सकती है इस बार की, कि जिसके बाद अगर लेंथ बढ़ाई जाए तो वो अपने लोड से ही फेल हो जाए, ठीक है। तो इस लेंथ को, उस मैक्सिमम लेंथ को कहते हैं स्पेसिफिक लेंथ, ठीक है। इसको यूं समझ लें, ऑपोजिट चले मैं कर देता हूं, एक स्ट्रक्चर है उसको आप हाई राइज बनाते जा रहे हैं बनाते जा रहे हैं, एक लिमिट तो होनी चाहिए ना कि जिससे ज़्यादा हाई राइज करेंगे तो बेस के ऊपर उसके अपने लोड से ही मटीरियल क्रश हो जाएगा, ऐसा ही है ना। तो एक मटीरियल की अपनी भी एक कंस्ट्रेंट होती है, ऐसा नहीं है कि आप इनफाइनाइट हाइट की बिल्डिंग बना सकते हैं, क्योंकि एक वक्त ऐसा आएगा कि आपके पास जो मटेरियल अवेलेबल हैं वो अपना वेट ही नहीं सस्टेन कर पाएगा, उसकी स्ट्रेंथ की एक लिमिट है, ठीक है। सो जिस मटेरियल की ये लेंथ ज़्यादा होगी वो ज़्यादा अच्छा लोड कैरिंग कैपेसिटी रखता है, जिसकी कम होगी वो कम रखेगा। आपने लेट से एक कॉलम है, ठीक है, उसकी एक स्पेसिफिक लेंथ रखी, ये कॉलम जो है ये किसी मटेरियल का बना हुआ है, आपने वो लेंथ बढ़ा दी, बेस के ऊपर इस लेवल के ऊपर जो स्ट्रेसेस हैं वो इंक्रीज़ हो गए बिकॉज लेंथ बढ़ गई है, लोड ज़्यादा हो गया, आपने मज़ीद बढ़ा दी, एक वक्त आएगा कि लेंथ आपकी इतनी हो जाएगी कि उससे ज़रा सी भी आप फर्दर बढ़ाएं तो आपका बेस का मटेरियल क्रश हो जाएगा अपने लोड के अंडर ही,
वो लेंथ कहलाएगी स्पेसिफिक लेंथ, कि जिससे ज़्यादा आप नहीं कर सकते मटेरियल की लेंथ या स्ट्रक्चर की हाइट नहीं कर सकते, या अगर इसको उल्टा दें तो इस तरह से मटेरियल को इससे ज़्यादा लेंथ पे लटका नहीं सकते। यही तो इसमें अभी हम जब ये लेंथ डिराइव करेंगे तो देखेंगे कि इसमें क्रॉस सेक्शनल का प्रॉपर्टी का कोई रोल नहीं है, तभी तो इसको एक अच्छा पैरामीटर माना गया है। पहला ख्याल यही आता है ज़हन में कि ये तो क्रॉस सेक्शन पर डिपेंड करेगा ना, आप क्रॉस सेक्शन भी उसी रेशो से बढ़ाते जाएं, ऊपर लेंथ भी हाइट भी जितनी मर्ज़ी करते जाएं, लेकिन ऐसा नहीं है। जब आप इस लेंथ की एक्सप्रेशन डिराइव करेंगे अभी, तो आप देखेंगे उसमें क्रॉस सेक्शनल एरिया नहीं हो आएगा। इसका मतलब है कि ये फिर इसका मतलब हर मटेरियल की एक यूनिक लेंथ है जो उसके क्रॉस सेक्शनल एरिया पे डिपेंड नहीं कर रही, ठीक है। सो वो कैसे डिराइव हम कर रहे हैं, आई थिंक आपका भी क्वेश्चन यही था। वो तो बिल्कुल फिक्स सपोर्ट होगी, ठीक है। सो बेस के करीब जो मटेरियल है वो आप समझ लें कि फेल हो जाएगा, ठीक है। सो आप यूँ समझ लें कि अगर ये स्टील है तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा इस बेस के पास सबसे ज़्यादा लोड है ना, सबसे ज़्यादा एक्सियल स्ट्रेस है, तो वो जो कप एंड कोन का इफेक्ट है, यील्डिंग है, वो यहाँ पे हो जाएगी, यहाँ से मटेरियल फेल हो जाएगा। लेट्स डिराइव दिस एक्सप्रेशन के लेट्स से एक लेंथ है और कोई उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया भी है, अगर मैं ये सेक्शन काटूँ तो ए कोई है, लेकिन आप जब इसको डिराइव करेंगे तो आप देखेंगे वो ए ख़त्म हो जाएगा एक्सप्रेशन में से। कैसे? टोटल वेट को फेलियर लोड के एक वेट रख देते हैं, ठीक है, और फिर लेंथ को उसमें से एक अलग कर लेंगे। टोटल वेट है मास टाइम्स जी, फेलियर लोड है सिग्मा फेलियर यानी एफ वाई अगर स्टील की बात करें, इनटू क्रॉस सेक्शनल एरिया, ठीक है। अब आप जी को इसमें मास को लिख सकते हैं डेंसिटी टाइम्स वॉल्यूम, वॉल्यूम को लिख सकते हैं लेंथ इनटू क्रॉस सेक्शनल एरिया, और दूसरी तरफ सिग्मा एफ यानी फेलियर स्ट्रेस जो मटेरियल की कैपेसिटी है एफ वाई लेट से इनटू ए, ए कैंसिल हो गया दोनों तरफ से, लेंथ को अलग कर लिया तो लेंथ की एक्सप्रेशन आ गई सिग्मा एफ ओवर रो जी। इसका मतलब है ये डिपेंड करता है मटेरियल की डेंसिटी पे और उसकी फेलियर लोड पे, उसकी कैपेसिटी पे, ये क्रॉस सेक्शनल एरिया पे ये नंबर लेंथ का डिपेंड नहीं करता। सो इसका मतलब है अब एक पैरामीटर डिफाइन कराया जा सकता है हर मटेरियल का, वो अलग होगा बिकॉज उसकी डेंसिटी भी कांस्टेंट है और उसका फेलियर लोड भी कांस्टेंट है। स्टील के लिए एक लेंथ होगी कोई ख़ास नंबर, कंक्रीट के लिए कोई नंबर होगा, एल्यूमिनियम के लिए कोई नंबर होगा, इस तरह, ठीक है। सो जो सिर्फ ये बताएगा कि कोई भी एलिमेंट अगर इस मटेरियल का बनाया जाए तो वो इस लेंथ से ज़्यादा नहीं हो सकता, इससे ज़्यादा होगा तो अपने लोड से ही क्रश हो जाएगा या फेल हो जाएगा, या अपने लोड से ही वो सिग्मा एफ को पहुंच जाएगा, ठीक है। सो अब कंक्रीट का ये नंबर बहुत पुअर है, स्टील का ये नंबर बहुत अच्छा है, ये नंबर जितना हाई होगा उतना अच्छा है ना, यानी वो ज़्यादा अपनी लेंथ को सपोर्ट कर सकता है, ये नंबर जितना कम होगा उतना वो मटेरियल पुअर होगा। सो एंड पर सिर्फ एक कॉन्सेप्ट ये देख लें कि मटेरियल बिहेवियर हमें पता है कि वो लीनियर भी हो सकता है, नॉन लीनियर भी हो सकता है, ये ऑलरेडी डिटेल से डिस्कस कर चुके हैं। फिर एक चीज़ ये है कि मटेरियल बिहेवियर लोडिंग हिस्ट्री पे भी डिपेंड करता है कि लोडिंग कैसे अप्लाई की गई है। लोडिंग सिर्फ थोड़ी सी अप्लाई की गई है तो आपका मटेरियल हो सकता है इलास्टिक रहे, लोडिंग बहुत ज़्यादा अप्लाई कर दी गई है तो मटेरियल प्लास्टिक रेंज में जा सकता है, नॉन लीनियर हो सकता है। अगर लोडिंग रिवर्स हो गई है तो मटेरियल का बिहेवियर हिस्टेरेटिक हो सकता है, ठीक है। तो एक ही मटेरियल इलास्टिक भी हो सकता है, इनइलास्टिक भी हो सकता है, ये डिपेंड करता है लोडिंग का लेवल क्या है। कंक्रीट भी इलास्टिक माना जा सकता है अगर लोडिंग उसको सिर्फ यहाँ तक रखे, बस पहले इलास्टिक रेंज में। स्टील भी अगर एफ वाई से कम रहता है तो इलास्टिक है, लेकिन अगर उससे ज़्यादा हो जाती है लोडिंग तो वही मटेरियल इनइलास्टिक बन जाएगा। तो इस बेस के ऊपर जो क्लासिफिकेशन की गई है मटेरियल्स की, वो भी देख लें एक नज़र। पहली क्लासिफिकेशन है लीनियर इलास्टिक मटेरियल, यानी एक मटेरियल जो लीनियर बिहेवियर फॉलो कर रहा है
यानी स्ट्रेट लाइन फॉलो करेगा स्ट्रेस और स्ट्रेन के दरमियान, और इलास्टिक से मुराद ये है कि लोडिंग और अनलोडिंग की लाइन वही स्ट्रेट लाइन ही होगी। स्ट्रक्चर जब अनलोड होगा तो कोई परमानेंट डेफॉर्मेशन नहीं होगी, वो ओरिजिन पे वापस आ जाएगा, वो मटेरियल ओरिजिन पे वापस आ जाएगा। सो नो परमानेंट डेफॉर्मेशन, लीनियर इलास्टिक मटेरियल। लीनियर इन इलास्टिक मटेरियल के बिहेवियर तो लीनियर है जाते हुए भी और आते हुए भी, लेकिन इन इलास्टिक है यानी जाने की लाइन और आने की लाइन फ़र्क है। तो जब अनलोड होगा तो कोई परमानेंट स्ट्रेन फिर भी मौजूद रहेगी, ये परमानेंट डेफॉर्मेशन है, इसको रेजिडुअल डेफॉर्मेशन भी बोलते हैं। नहीं, यील्ड नहीं होगा बिकॉज वो ऑलरेडी लीनियर रेंज में ही है। फ़र्क सिर्फ ये है कि वो उसके पार्टिकल्स कुछ इस किस्म के हैं कि एक दफ़ा डिफॉर्म हो गए तो दोबारा से अपनी ओरिजिनल ज्योमेट्री अचीव नहीं करते वो, ठीक है, अनलोडिंग पे। सो बिहेवियर लीनियर ही है, मतलब मटेरियल लीनियर है, बिहेवियर इन इलास्टिक है। इसी तरह नॉन लीनियर इलास्टिक भी हो सकता है कि बिहेवियर यानी शुरू से ही मटेरियल नॉन लीनियर है, स्ट्रेस और स्ट्रेन के दरमियान स्ट्रेट लाइन फॉलो नहीं कर रहा, लेकिन है इलास्टिक, यानी अनलोडिंग पे वही नॉन लीनियर लाइन फॉलो करके वापस आ जाता है, ठीक है। फॉर एग्जांपल इसकी कोई रियल एग्जांपल दे सकते हैं ऐसे मटेरियल की? रबर बिल्कुल ऐसा मटेरियल है जिसको आप स्ट्रेच करें तो वो नॉन लीनियरली स्ट्रेच होगा, लीनियरली नहीं होगा वापस, लेकिन उसी पाथ को फॉलो करके ओरिजिनल लोकेशन पर आ जाएगा, तो कोई रेजिडुअल डेफॉर्मेशन रबर में नहीं होगी। इसके अलावा आजकल एक बड़ा कॉमन मटेरियल बड़ा फेमस हो रहा है, वो है SMA, शेप मेमोरी एलॉय। नाम से ही जाहिर है, शेप मेमोरी मतलब अपनी शेप को याद रखता है, ठीक है। ये ऐसा एलॉय है कि जो नॉन लीनियरली डिफॉर्म होता है और फिर अनलोडिंग हो तो फिर नॉन लीनियरली वापस अपनी ओरिजिनल शेप पे आ जाता है, ठीक। और फिर दूसरी एक्सट्रीम पर क्या है, नॉन लीनियर इन इलास्टिक, यानी ना लोडिंग लीनियर है ना अनलोडिंग लीनियर है, और अनलोडिंग जो है वो इनिशियल लोडिंग से डिफरेंट है, तो रेजिडुअल डेफॉर्मेशन भी है और नॉन लीनियर बिहेवियर भी है। सो रियल स्ट्रक्चर, अगर रियल मटेरियल्स अगर लोडिंग बहुत हाई हो जो उन्हें फेल करवा सकती हो, तो वो इस तरह डी की तरह बिहेव करेंगे, ठीक है। कंक्रीट यही है, जो अकेला कंक्रीट है वो शुरू से ही बिहेवियर नॉन लीनियर हो जाता है उसका, ये हम उसको बस कुछ रेंज में लीनियर एज्यूम कर लेते हैं, असल में वो शुरू से ही नॉन लीनियर होता है, और किसी भी स्टेज पे अनलोड करें तो वो लाइन डिफरेंट फॉलो करेगा। सो जो कंक्रीट है वो इनहेरेंटली नॉन लीनियर इन इलास्टिक मटीरियल है। डी एक ऐसा मटीरियल है कि हर मटीरियल असल में ओरिजिनली देखा जाए तो डी ही है, बाकी सारी तो फिर अप्रॉक्सीमेशंस है, ठीक है। क्वेश्चन ये है कि हिस्टेरेटिक बिहेवियर का क्या मतलब है? अभी आपने सिर्फ मेरी डिस्कशन से ये सुना है कि ये साइक्लिक बिहेवियर को कहते हैं, यानी अप्लाइड लोडिंग अगर अपनी डायरेक्शन किसी भी स्टेज पे चेंज कर ले, उलट हो जाए, तो आपका स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व जो बढ़ रहा था अब वो वापस आएगा, ठीक है, और फिर किसी स्टेज पर दोबारा से लोड हो तो वो दोबारा से वापस जाएगा। तो मुख्तलिफ दो मिसालें चले मैं हिस्टोरेटिक रिस्पॉन्स की दे देता हूँ। रीइंफोर्स कंक्रीट जो है वो इस तरह का बिहेवियर फॉलो करेगा कि वो इस तरह से लोड होगा, अनलोडिंग पर भी वो नॉन लीनियर लाइन ही फॉलो करेगा और दूसरी डायरेक्शन में भी नॉन लीनियर जाएगा और फिर दूसरी डायरेक्शन में अनलोडिंग पर भी नॉन लीनियर फॉलो करेगा। तो इस किस्म का जो साइक्लिक रिस्पॉन्स है वो कंक्रीट फॉलो करेगा। स्टील इसके बरक्स बड़ा रेगुलर किस्म का रिस्पॉन्स फॉलो करेगा, वो तो इस तरह करेगा, बायलिनियर जाएगा, अगर यहाँ से मैं इसको अनलोड करूँ तो ये इनिशियल स्लोप को फॉलो करता हुआ नीचे आ जाएगा और दूसरी डायरेक्शन में यील्ड कर जाएगा, फिर किसी भी पॉइंट से दोबारा से रीलोड करें तो वही इनिशियल स्टिफनेस को फॉलो करके लोड हो जाएगा और फिर दूसरी डायरेक्शन में यील्ड कर जाएगा। तो ये इस तरह का बायलिनियर बिहेवियर फॉलो करेगा। एक और फर्दर एग्जाम्पल देख लें जिसको कहते हैं फ्लैग शेप बिहेवियर। इमेजिन करें कि आपका कोई ऐसा मटेरियल है जो यूं इस तरह का स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व फॉलो कर रहा है, ऐसे जैसे फ्लैग होता है, यानी ये क्या कर रहा है कि अनलोड होते हुए इनिशियल स्टिफनेस फॉलो करता है लेकिन एक ख़ास लेवल के बाद दोबारा से इनिशियल लाइन को जाके मिल जाता है ऐसे, ठीक है।
और ये एक ऐसा मटेरियल है जिसको रीसेंटरिंग मटेरियल कहते हैं, यानी ये डिफॉर्म तो हो रहा है नॉन लीनियरली, लेकिन अनलोडिंग में हर दफ़ा ओरिजिन से पास कर रहा है, ठीक है, ओरिजिन से पास कर रहा है, यानी अनलोडिंग होते हुए इसमें कोई रेजिडुअल डेफॉर्मेशन नहीं है, रीसेंटर हो जाता है, ठीक है, यानी किसी भी स्टेज पर लोडिंग ख़त्म होगी ना तो ये अपनी ओरिजिनल शेप में वापस आ जाएगा, गो कि ये यील्ड भी कर रहा है, ठीक है। अब ये भी एक एग्ज़ाम्पल है हिस्टेरेटिक बिहेवियर की, तो यूँ समझ लें कि इस तरह के शेप्स या टेम्पलेट्स हमें सॉफ्टवेयर में अवेलेबल होते हैं, हम अपने मटेरियल को कोई शेप दे देते हैं कि तुमने ये शेप फॉलो करनी है, सो हम जब वो शेप दे देते हैं तो हम बेसिकली सॉफ्टवेयर को बता रहे हैं कि जब भी लोडिंग रिवर्स हो तो ये रूल फॉलो करना है मटेरियल को अनलोड करने के लिए। अगर आप इसको एक्सियल टेंशन कंप्रेशन में लें तो इसका मतलब है कि पहले एलोंगेशन हो रही थी और अब जो है वो उसमें कम शॉर्टनिंग हो रही है। या देखें ना, आप इमेजिन करें कि एक फ्रेम है, इसमें कोई लोडिंग आ रही है जो अपनी डायरेक्शन चेंज कर रही है, ये जो एक्सट्रीम कॉलम है ये वाला और ये वाला, इसके अंदर एक्सियल लोड ज़रा इमेजिन करें कैसे वेरी करेगी। अगर अप्लाइड लोडिंग इस तरह की है, अपनी डायरेक्शन बार बार चेंज कर रही है, तो इन दो कॉलम्स में भी तो एक सेकंड में कंप्रेशन होगी, इस तरफ कंप्रेशन होगी, दूसरी तरफ टेंशन होगी, अगले लम्हे यहाँ टेंशन हो जाएगी, दूसरी तरफ कंप्रेशन हो जाएगी, जब आपकी पूरी बिल्डिंग ऐसे लेटरली स्वे करेगी, ठीक है। सो लिहाजा एक ही कॉलम के अंदर बार बार लोडिंग के साइकिल आ रहे हैं, कंप्रेशन टेंशन कंप्रेशन टेंशन, हो सकता है पहले एक बार टेंशन में यील्ड करे, अगले लम्हे वो कंप्रेशन में यील्ड कर जाए, ठीक है। एक प्रैक्टिकल क्लासिफिकेशन मटेरियल्स की जो आरसी में ज़्यादा यूज़ होती है वो ये है, इलास्टिक परफेक्टली प्लास्टिक मटेरियल और इलास्टिक प्लास्टिक मटेरियल। इलास्टिक परफेक्टली प्लास्टिक का मतलब है कि आपका मटेरियल एक ख़ास पॉइंट तक इलास्टिक है, उसके बाद परफेक्टली प्लास्टिक हो गया, ई ज़ीरो हो गया है फ़ौरन ही, ई बिल्कुल ज़ीरो हो गया एक ख़ास एफ वाई के बाद, तो इसको ई पी पी मटीरियल कहते हैं, इलास्टिक परफेक्टली प्लास्टिक। आम तौर पे कई दफ़ा सिंपलिसिटी के लिए स्टील को ई पी पी से रिप्रेजेंट किया जा सकता है। और दूसरा मटीरियल ये है कि कुछ ख़ास पॉइंट तक वो इलास्टिक रहे और उसके बाद वो नॉन लीनियर बन जाए, यानी मटेरियल का स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व ऐसा है कि उसको किसी ख़ास रेंज तक लीनियर माना जा सकता हो और उसके बाद फिर उसको नॉन लीनियर माना जाए। ये कंक्रीट की मिसाल है, ठीक है। तो कंक्रीट इलास्टिक प्लास्टिक मटेरियल है। असल में तो किसी भी मटेरियल को वो पहले वाली क्लासिफिकेशन में भी रखा जा सकता है और ये एक अलग से भी एक प्रैक्टिकल क्लासिफिकेशन है, ठीक है। अभी आपको ये नहीं पता कि ये पीक के बाद ये लाइन आगे जाती रहेगी या नीचे आ जाएगी, ये पता चलेगा तो फिर आप इसको ब्रिटल या डक्टाइल में क्लासिफाई करेंगे, ठीक है। और वही मेरा अगला पॉइंट है कि एक क्लासिफिकेशन, चलें वो यहाँ पे नहीं है बट मैं वैसे वर्बली एक्सप्लेन कर देता हूँ, एक क्लासिफिकेशन मटेरियल्स की है ब्रिटल और डक्टाइल, ठीक है। इसका ताल्लुक पोस्ट यील्ड बिहेवियर के साथ है, पोस्ट यील्ड या पोस्ट पीक बिहेवियर। पोस्ट पीक मतलब पीक के बाद वाला बिहेवियर, पीक से पहले पहले तो आप नहीं बता सकते कि मटेरियल ब्रिटल है या डक्टाइल है। पीक के बाद अगर वो सफिशेंटली लार्ज डेफॉर्मेशन सस्टेन कर सकता है बिफोर एक्चुअली गोइंग डाउन तो ये डक्टाइल मटेरियल है, और अगर पीक के फौरन बाद वो डाउन चला जाता है तो वो ब्रिटल मटेरियल है। डक्टाइल मटेरियल जब सफिशेंटली लार्ज डेफॉर्मेशन दे रहा होगा तो वार्निंग दे रहा होगा फेलियर का, तो ये एक अच्छा मटेरियल है, और ब्रिटल मटेरियल वार्निंग नहीं देगा, वो सडन फेल हो जाएगा, ठीक है। सो स्टील एक डक्टाइल मटेरियल है। आम तौर पे एक पैरामीटर है जिसको डक्टिलिटी रेशो से रिप्रेजेंट करते हैं, म्यू। ये इसकी डेफिनेशन ये है कि वो पॉइंट जहाँ के बाद सडन फेलियर हो जाएगा उसकी स्ट्रेन की वैल्यू, एप्सिलॉन इसको कह देते हैं फेलियर, या अल्टीमेट भी इसको कई दफ़ा कहा जाता है अल्टीमेट, और वो पॉइंट जहाँ से पहली दफ़ा वो यील्ड हुआ है यानी एप्सिलॉन वाई, इनकी जो रेशो है ना दो नंबर्स की, इसको एक पैरामीटर होता है जिसे कहते हैं डक्टिलिटी रेशो या डक्टिलिटी फैक्टर, एप्सिलॉन अल्टीमेट
डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन यील्ड, ये नंबर आपको बताता है कि ये कैसा मटेरियल है, डक्टाइल है या ब्रिटल है, ठीक है। स्टील के केस में ये नंबर इवन 20-25 भी हो सकता है, यानी जिस स्ट्रेन पर यील्ड हुआ उसके 25 गुना पे जाके अल्टीमेटली जो है वो फेल हो जाएगा, यानी ये बड़ा अच्छा रेंज है। कंक्रीट के केस में तो ये मे बी 3-6 तक होगा, ठीक है, यानी इस पॉइंट का और नीचे जाने वाले पॉइंट का जो रेशो है, और अगर बहुत कोई डक्टाइल कंक्रीट है तो मे बी 10 तक हो जाएगा, 10 या 12 तक, ठीक है। ये भी एक मटेरियल्स की क्लासिफिकेशन है। तो इसमें अब हमारे जो दो मटेरियल्स हैं वो अब आपको पता चल गए, स्टील डक्टाइल है, 20-25 डक्टिलिटी रेशो देता है, कंक्रीट रिलेटिवली ब्रिटल है अगर सिर्फ अकेले कंक्रीट को देखा जाए, अनकन्फाइंड कंक्रीट को देखा जाए, और वो इस रेंज में डक्टिलिटी रेशो देता है, ठीक है।